तो कल हम लोग CSS पढ़ रहे थे। हमने जस्ट स्टार्ट किया था CSS का। सही है। तो कल हमने जो पहली बात की थी, HTML हमने बहुत लिख लिया, उसकी प्रैक्टिस भी हमने काफ़ी कर ली। अब ये है कि हमारा मेन मकसद है कि उसमें स्टाइलिंग कैसे ऐड करें, कि जो खूबसूरती है, जो एक्चुअल वेबसाइट हमें बनती हुई दिखती है, वो कैसे होगी। तो हम इसको आगे, और आज से हम शुरू कर रहे हैं तो हम इसको और भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इसमें प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो आज से अपनी कॉपी और पेन ज़रूर लाइएगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रॉपर्टी और उसका यूज़। अब जैसे ये वाला पार्ट है, इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम इसकी वैल्यू कहते हैं। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू, तो ये दो चीज़ें आपने याद रख लेनी है, अपने पास लिख लेनी है, और साइड में थोड़ा सा आपने नोट लगा देना है कि करती क्या है, राइट। तो इससे होगा ये कि कभी भी जब आप कोई काम अपना भूल जाते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप अपना पेज वो खोल के ये IDs चेक कर सकते हैं। CSS में जस्ट ये प्रॉपर्टी और वैल्यू की गेम है। जैसे HTML में चलो और भी बहुत चीज़ें हैं कि एक div है, div के अंदर एक और div है, एक फॉर्म का एलिमेंट है, उसके अंदर एक और फॉर्म का एलिमेंट आ सकता है, एक इनपुट टैग है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, उनका अलग अलग तरीका है। लेकिन CSS का लिखने का तरीका पूरे पूरे CSS में सेम है, वो नहीं बदलता। तो उसमें सिर्फ मुश्किल क्या है, ये प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, कौन सी प्रॉपर्टी कब इस्तेमाल करनी है, किसके साथ इस्तेमाल करनी है। ऐसा भी होता है कि आपको एक काम करना है तो वो इस एक प्रॉपर्टी और वैल्यू से नहीं होता, इस तरह के 4-5 प्रॉपर्टी वैल्यूज और लिखनी पड़ती हैं, तब जाके वो एक काम होता है, ठीक है। तो आप लोग आज से ये प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखेंगे। अपनी कॉपी में कोई एक साइड ही निकाल लें जो आपके बाकी काम से अलग हो, और उस साइड में आप सिर्फ प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखें, साफ एक टेबल बना लें कि ये प्रॉपर्टी का कॉलम है और ये उसकी वैल्यू का कॉलम है। तो जैसे जैसे आपको प्रॉपर्टीज पता लगने लगे हैं, तो आप 1, 2, 3 अब वो लिखते चले जाएं, ठीक है। अपनी कॉपी की बैक साइड से शुरू कर लें ताकि ये आपको बिल्कुल अलहदा से दिखे। आई थिंक आपको लगेंगे 4-5 लगेंगे। प्रॉपर्टीज टोटल हैं अराउंड 70-80 हैं, 70-80 आएंगी। तो नेचुरली कोई भी याद नहीं रख पाता, कुछ जो ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ वही याद रहती हैं लोगों को, और ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ है पता भूल ही जाता है। तो हम उसको दोबारा रिवाइज़ करने के लिए या तो अपना एक नोट्स बना लेते हैं, या फिर एक इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल होनी थी, ठीक है। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि 80-100 प्रॉपर्टियाँ कौन याद रखता है। कोई नोट नहीं मिल सकता। मिलेगा यहाँ पे इंटरनेट पे, अगर आप इसको सर्च आउट करें तो देखें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसका नाम लिखें आप, CSS। अब आपने लिखा CSS तो इसके सामने आपने लिख दिया चीट शीट, तो HTML चीट शीट, तो यहाँ से आई थिंक ये PDF आ रहा है, कुछ भी है ये इंटरैक्टिव। तो अब ये एक वेबसाइट है, इस पर आप लोगों के पास ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्प्लेड है। इस वेबसाइट में आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी का इफेक्ट क्या आ रहा है। तो इस तरीके से ये भी वेबसाइट है, ये आपकी वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है, ये आप घर पे भी जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। यहाँ आपको एक इमेज भी मिल जाएगी, अगर आप इसकी इमेजेस में चले जाएं तो अब देखें ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। अब आप ये इमेज डाउनलोड करके इसको जूम करके आप एक एक प्रॉपर्टी और उसका काम भी पढ़ सकते हैं। तो कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसकी आपको चीट शीट ज़रूर मिल जाती है। आप HTML चीट शीट लिख रहे हैं
तो आपको HTML के जो मेजर टैग्स हैं उनके बारे में उसको पता चल जाएगा आपको। अब ये HTML की चीट शीट्स हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको HTML के जितने भी मेजर टैग्स थे वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको अगर बैक चले जाएं टाइप्स भी मिल जाएंगे। ये वही वेबसाइट है, इसमें यहाँ साइड में उन्होंने HTML दिखाया था, HTML है सारा डेव शेव। आप कोई और भी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अब ये आई थिंक PDF है, ये स्टैनफोर्ड की है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। तो अब इसमें देखें, ये जो भी आपने पढ़े हैं टैग्स, तो इन्होंने कॉलम बना दिया बेसिक टैग्स HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद बॉडी और उसके बाद टाइटल। ये वही टैग्स हैं जो हमने शुरू में पढ़े थे। उसके बाद बॉडी एट्रीब्यूट्स के, बॉडी के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट लग सकते हैं, लेकिन ये एट्रीब्यूट आपके नॉर्मली उससे कंट्रोल हो जाते हैं आपकी CSS से, ठीक है। तो ये टेक्स्ट के टैग्स, तो ये सारे टेक्स्ट के टैग्स हैं। उसके बाद लिंक एंकर टैग आपने पढ़ा हुआ है, तो इसमें सारे जितने भी आपने ये फॉर्म्स इनपुट टाइप टेबल्स आपने जो भी चीज़ पढ़ी है वो इधर है। आप इनका टैग कॉपी करें, उसको इस्तेमाल करके देख लें। और साइड में इन्होंने इंग्लिश में थोड़ा सा उसका लिखा हुआ भी है कि ये करता क्या है। अब जैसे टेबल का टैग बनाया हुआ है तो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट्स अ टेबल। तो कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसकी चीट शीट आपको मिलती है, इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। तो आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाएंगे, वो HTML हो, CSS हो, JavaScript हो, Node हो, React हो, कोई भी हो, तो आप उसको जस्ट उसका नाम लिखें और आगे आप लिख दें चीट शीट, तो वो इस तरह का आपको पेज कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो CSS का भी आपको मिल जाएगा। अब CSS को थोड़ा सा दोबारा इसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया था कल। हमने कहा था कि CSS की पहले तो एक अलग फाइल बनती है, ठीक है। अच्छा आप न्यू, आप भी न्यू, आप तो पहले से थे, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो मुझे ज़रा रिवाइज कराओ कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल थे आप? कल आप नहीं आए थे? अरे तो बताओ ना, बैठ जाओ। आप थे कल? तो ज़रा रिवाइज कराएं, हमने क्या पढ़ा था। आपने ये बताया था कि CSS का अलग पेज बनता है, ठीक है, वो ये पेज मैंने बनाया था, बिल्कुल सही है। HTML में काम होता है, HTML सही है, मतलब अकेले नहीं हो सकता, अकेले नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। इसका जो होता है पेज का लिंक देना पड़ता है, बिल्कुल लेना देना पड़ता है, वही वाला लिंक है, ठीक है। तो देखें, इन्होंने ये कहा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, कल यही बात हुई थी कि CSS, मैंने बताया था कि स्टाइल शीट होती है वो, सही है। स्टाइल शीट जिस तरीके से आपका पेज है कॉपी का, ये भी एक शीट है, तो इस पर जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो आप अपनी उस शीट पर लिख रहे हैं। तो इसी तरीके से CSS क्या है, एक शीट है जिसमें आप स्टाइल्स लिखते हैं। स्टाइल सबको पता है कि वो दिखने का तरीका, कि वो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये CSS की खुद की पहचान है। तो CSS क्योंकि एक अलग एक लैंग्वेज है, एक तरह से अलग लैंग्वेज है, लेकिन वो सपोर्टिंग में किसके आती है, HTML के। HTML के बगैर उसका वजूद नहीं है, वो किसी काम की नहीं है, तो सही है। लेकिन क्योंकि वो अलग जबान है तो उसका पेज अलग बनता है। तो जहाँ पे पहले मैंने index.html में बना रहा था, अब मैंने साइड में क्या बनाया, index.css, एक नई फाइल बनाई, एक नया पेज बनाया। अगर हम इसके फोल्डर में जाएं तो फोल्डर में आपको ये दिख रहा है, क्या देखें, ये .html की फाइल है, सही, ये सारी HTML है, लेकिन इनमें एक फाइल index.css है। तो विंडोज आपको इसका आइकन ही अलग करके बता रही है, बाकी सब में फायरफॉक्स का आइकन दिख रहा है, मतलब वो सारी HTML फाइल है क्योंकि वो ब्राउजर पे खुलती हैं। अब देखें, उसने ब्राउजर ने इसको ये गियर बनाया, गियर वो हमेशा उस फाइल को बनाता है जब वो समझता है ये कोई सिस्टम की फाइल है, जो उसको नहीं पता है इसको कैसे चलाना है, तो वो विंडोज हमेशा उसको ये गियर का आइकन दे देता है। क्यों? क्योंकि CSS उसको वाकई ही नहीं पता वो कैसे चलेगी, क्योंकि CSS किसके साथ चलती है, HTML के साथ। HTML ही CSS को कॉल करती है और CSS HTML के ही अंदर चलती है, सही है। तो अब ये अलहदा फाइल है और इसमें अंदर आप कुछ भी लिखते रहें कोई फ़र्क नहीं आएगा,
जब तक आप इसको किसी HTML के अंदर इंपोर्ट नहीं करते, लगाते नहीं हैं। और ये लगेगा कैसे, कनेक्शन कैसे बनेगा? लिंक, वो कनेक्शन बनता है लिंक के जरिए। अब लिंक जिन्होंने, जो न्यू है उनको थोड़ा ये समझने में मुश्किल होगी, लेकिन जो पुराने हैं वो अच्छे से समझेंगे कि ये टैग का नाम है लिंक और ये टैग का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट हमेशा, एट्रीब्यूट का एक नाम होता है, इक्वल टू होता है, और उसकी एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? रिलेशन, और उसकी वैल्यू क्या है? स्टाइल शीट। हमें बिल्कुल समझ आ रहा है, CSS है, CSS स्टाइल शीट है, ठीक है, अभी तक सब सही चल रहा है। उसके बाद क्या है ये HREF? HREF किस लिए इस्तेमाल होता है? एट्रीब्यूट रेफरेंस देने के लिए, लिंक लगाने के लिए। वैसे कि HREF का फुल फॉर्म हाइपर रेफरेंस है। अगर HTML का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट उसको कहते हैं कि कोई भी ऐसी टेक्स्ट जिसको आप क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको कहीं और ले जाए, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट। तो ये क्या है? हाइपर रेफरेंस। इसका मतलब है कि ये चीज़ कहीं और है लेकिन वो उसको यहाँ पर कॉल कर रहा है, ठीक है। तो CSS यहाँ पे कनेक्ट हो गई। अब आते हैं एक्चुअल CSS पे। अब थोड़ी देर अपना HTML का जो आपने चीज़ पढ़ी हुई है उसको थोड़ी देर भूल जाए, जो भी चीज़ आपने HTML में पढ़ी थी, जो भी किया था, उसको थोड़ी देर साइड में रख दें। देखें, कोई भी ज़बान जब आप कोई पढ़ने जाते हैं तो उसका पहले ही अगर कोई चीज़ आपको देखनी चाहिए वो है उसका सिंटैक्स, ठीक है। ये कि आपको तरीका बता रहा हूँ, कोई भी दुनिया की ज़बान आप सीखने जाएं सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए? सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इंग्लिश का वर्ड है जिसका उर्दू में मतलब बनेगा कि भाई किसी को एक चीज़ लिखने का तरीका। अब आप कोई ऐसे लिखते हैं, कोई मजमून लिखते हैं, कोई ख़त लिखते हैं, लेटर, एप्लीकेशन, तो उनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक लिखने का खुद का एक तरीका है। पाइथन का लिखने का तरीका अलग है, नोड का लिखने का तरीका अलग है, जावास्क्रिप्ट का अलग है, HTML का बिल्कुल अलग है। अब HTML का आप लोगों ने सबने सिंटैक्स पढ़ा है कि उसका टैग कैसे लिखा जाता है, उसके टैग में क्या क्या होता है। तो मैं आपके सामने एक तरफ पाइथन का कोड रख दूँ, एक तरफ HTML का रख दूँ, आप मुझे फट से बता देंगे ये वाला HTML है। क्यों? क्योंकि आप उसका सिंटैक्स पहचानते हैं। इसी तरीके से आपको, अगर आप CSS पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए? उसका सिंटैक्स। अब CSS का सिंटैक्स, मजे की बात है, जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है ना, CSS का सिंटैक्स यही है। सबसे आसान चीज़ अगर कोई CSS में पढ़ने वाली है तो वो क्या है? उसका सिंटैक्स, क्योंकि वो सबसे आसान है, बिल्कुल आसान। बस उसके अंदर आपको इधर एक लफ्ज़ दिखेगा, इसको हम करली ब्रैकेट कहते हैं। अगर कोई इंटरमीडिएट की मैथ्स तक आया हुआ है तो उसको पता होगा कि ये करली ब्रेसेस होते हैं। करली ब्रेसेस नॉर्मली किसी प्रॉपर्टी को अगर वो अलहदा करना हो किसी जगह से तो इस्तेमाल किए जाते हैं। मैथ्स में भी होता है और इधर भी यही है, ठीक है। तो ये करली ब्रेसेस हम इसको कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये बेसिकली इनकैप्सुलेट करता है। इनकैप्सुलेट का मतलब है कि किसी चीज़ को एक कवर देता है। तो करली ब्रैकेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल इसीलिए होता है कि वो बताता है कि भाई इस चीज़ का जो कोड है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म है। जिस तरीके से HTML का टैग एक जगह से शुरू होके एक जगह ख़त्म हो रहा था, उसके बीच में जो भी था वो उस टैग का है, सही। तो अब हमें यहाँ पर एक तो ये चीज़ दिख रही है, हमें पता लग गया कि कर्ली ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये इसका कोड है, सही है। अब हमें दिख रहा है कि एक ये लफ्ज़ लिखा हुआ है और एक ये लफ्ज़ लिखा हुआ है और एक ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। इसको ज़रा अपने पास लिख लीजिएगा, इसको फिलहाल ना लिखें, बस वो ऊपर वाला लिखें। सारे नोट्स वगैरह में खुद डालने पड़ते हैं।
बिल्कुल हम प्रॉपर्टीज दिखेंगे तो आगे खुद बोल सकते हैं, ये डालने पड़ते हैं खुद को। कौन सा हाँ ये मैंने खुद किया है, ये आप इसको क्लीन दिखने के लिए, मैं समझाता हूँ ये क्यों है, ये इसको अब आप भी इसी तरह लिखेंगे। नहीं इसमें भी नहीं करते आप, 10-15 इसको न्यू लाइन दे दें वो नहीं समझेगी। करते ही इसी तरीके से हाँ इंटर करना लाजमी है। सबने लिख लिया, इसके ऊपर सिंटैक्स की हेडिंग दे दीजिएगा, सीएसएस सिंटैक्स, कि सीएसएस का सिंटैक्स है, ये कोई प्रॉपर्टी वैल्यू अभी तक कोई चीज नहीं है, सिर्फ सीएसएस का सिंटैक्स। ठीक है तो आप सबने लिख लिया, इसको थोड़ा आप इंक्रीज करते हैं साइज में। जैसा कि मैंने कहा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना लिखने का तरीका है जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं, तो सीएसएस का सिंटैक्स ये है, सही है। अब ये सिंटैक्स कैसे है, ये जो पहला लफ्ज आता है हमेशा इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टर। अभी आप लफ्ज सुन लें इसके मैं मतलब अभी बताता हूँ। उसके बाद क्या आता है, एक कर्ली ब्रेकेट आता है, उसके बाद आप एंटर मारते हैं न्यू लाइन पे आते हैं और फिर आप क्या लिखते हैं प्रॉपर्टी। लेकिन जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि जिस तरीके से आप HTML में करते थे कि आप इसको ओपन भी यहीं करते थे फिर इसको यहाँ पे क्लोज भी यहीं करते थे। अगर आपने थोड़ा नोट किया हो तो मैं भी यही कर रहा था, जैसे कि मैंने लिखा था, अगर बॉडी मैंने लिखी थी तो मैंने ये दोनों साथ बना दिए थे, दोनों ब्रैकेट आप साथ बनाए, इसके बीच में आए फिर एंटर मारें, सही है। कभी भी ये मत कीजिएगा कि आपने पहले ये बनाया फिर आपने न्यू लाइन की और अपनी प्रॉपर्टी जो भी लिखनी थी लिखी, फिर वैल्यू लिखी और फिर आखिर में आके आप इसको क्लोज कर रहे हैं, ये मत कीजिएगा। देखें आप ऐसा कर सकते हैं, लिखना आप जैसे चाहें आप लिख सकते हैं, उसमें जाहिर सी बात है आपको कोई मना नहीं करेगा जब तक आप कोई एरर नहीं करते। लेकिन एक लिखने का एक मेथड होता है जो कि एक्सपीरियंस से मिलता है, बार बार कोड करने से मिलता है, उससे आपको फिर थोड़ा समझ आता है कि अच्छा ये वाला तरीका क्यों नुकसानदेह। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अभी तो आपको ये कुछ भी नहीं दिख रहा, ज़्यादा कुछ अभी मैंने लिखा ही नहीं है, ये CSS की जो फाइल है ये 1,000-2,000 लाइनों तक चली जाती है, ठीक है 500-600 बहुत लंबी लंबी जाती है। तो जब इतना लंबा जब कोड बन रहा होता है ना तो आप इसको पहले ओपन करेंगे, अगर आप एक ये बनाना भूल गए ना सिर्फ एक तो पूरी की पूरी फाइल क्लोज ख़त्म, आपको समझ में ही नहीं आएगा। मजे की बात है कि वो शुरू का जो कुछ प्रॉपर्टी होंगी उनको चला देगी, शुरू के जो कुछ प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने जो बच्चे न्यू आए हैं तो मैंने उनको बताया था जो HTML है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करती है, यानी कि वो लाइन नंबर 1 पहले पढ़ेगी, लाइन नंबर 2, इसी तरीके से CSS भी है कि वो पहले कौन सी लाइन पढ़ती है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से पहली 100 लाइनें जो थी सही थी तो उसने 100 लाइनें चला दी। अब 101वीं लाइन पे आपने ये लगाना भूल गए तो 101वीं लाइन पे वो रुक जाएगा, आगे जितना 400-500 लाइनों का कोड था वो नहीं चलेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये आधा चल रहा है आधा नहीं चल रहा, आपको लगेगा कि आपने कुछ लिखने में गलती की है, तो आप नीचे जो 400-500 लाइन है आप उसमें लगे रहोगे कि कहाँ गलती हुई, आपको पूरा दिन निकल जाएगा ये यहाँ पर हुआ है। जो आपके पहले वाले बच्चे थे उनको हालांकि बताया गया था कि ये पहले बना लो, लेकिन कुछ थे उन्होंने नहीं बनाया तो वो बैठे हुए होते थे कि ये क्यों नहीं चल रही मेरी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को देखते रहते थे, देखते मैंने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की, मैंने ये डॉट तो नहीं लगा, भूल तो नहीं किया, मसला होता था कि वो ऊपर उन्होंने ब्रैकेट क्लोज ही किया हुआ होता था। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है उसका थोड़ा सा कलर वो VS कोड आपको चेंज कर देता है, ये बताने के लिए, ये सिर्फ VS कोड करता है, तो ये यहाँ पे आपको पता लगता है। एक मैंने एक्चुअल CSS का कोड लिखा नहीं है, तो जैसे कि वैसे अगर आप इसको लिखें, आप बॉडी दें, बैकग्राउंड कलर जैसे हमने दिया था इस, एक मिनट ये एरर अभी आ रहा है तो मुझे सब मिटाना पड़ेगा।
कलर, अब मैंने एक दे दिया कुछ भी इसको एंटीक वाइट। अब मैं नीचे आता हूँ दोबारा, मैं एक डिफ पे एक और प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर आक्वा। तो ये नोट किया आपने, कलर डिफरेंस नोट किया। अभी अभी डिफ का कलर क्या है? ब्लैक, ब्लैक हो गया। अब देखें अब क्या है, अब मरून है, ये मरून है। तो नॉर्मली ऐसे पता लगता है, ठीक है। तो ये इतनी छोटी सी चीज़ है, तो अब ये उसको पकड़ना ना, वो फिर जाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस पे ही पता लगता है। सर एक मिनट, अगर फॉर एग्जांपल जो बंदा वेबसाइट बना रहा होता है, हाँ, उसके बाद इस किस्म के जब एरर आ जाते हैं तो वो तो एक्सपर्ट हो ही जाता है ना। हाँ हाँ, जाहिर वो तो एकदम समझ जाता है यार, हाँ, वहाँ पे मिस्टेक हुआ है। मैं नॉर्मली जो हम खुद करते हैं ना स्टार्टर के लिए, हम हमारे मसला स्टार्टर, तभी उसके लिए एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो हम भी फॉलो करते हैं शुरू से, कि हम अभी हमारा हाथ सेट हो गया है तो हम कभी भी ये पहले नहीं बनाते वो बाद में नहीं बनाते, हम दोनों साथ में बनाते हैं, क्योंकि हमारी एक आदत बन गई है। अब वो एक अच्छी नाइस प्रैक्टिस है, तो उससे मिस्टेक्स कम से कम होती है। मैं बता रहा हूं कि अगर जो बंदा बना बना के एक्सपर्ट हो जाता है, हाँ, तो अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाता, हाँ, लेकिन अगर जो रन करता है तो वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है, हाँ, जाहिर है वो टाइम टू टाइम आइडिया हो जाता है कि वो कहाँ पे एरर हुआ है, कैसे एरर हुआ है। उसके बहुत तरीके भी हैं, आपको बहुत सारे आपके ब्राउजर पे भी बहुत मेथड्स हैं, टूल्स हैं जो आपको बता देते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, कुछ हुआ है, वो बिल्कुल है। लेकिन एक चीज़ है कि आपके बिगिनर्स के लिए आसान हो जाए।
जी, तो अब एक्चुअल काम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपीज में कि ये सिलेक्टर है, ये ब्रैकेट्स बनाने हैं दो, एंडिंग और क्लोजिंग। उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर्टी लिखनी है, ये कॉलन लगाना है, एक वैल्यू लिखनी है और ये सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, ये टोटल सिंटैक्स है सीएसएस का। इसके बाद अगर आपको ये तो एक प्रॉपर्टी लगाई, मुझे दूसरी प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप यहाँ पर इसके आखिर में एंटर दबाएंगे और अपनी दूसरी प्रॉपर्टी लिख देंगे। आप ऐसे 2, 3, 4, 5 जितनी प्रॉपर्टीज लगानी है वो आप लगाते जाएंगे, लेकिन अभी हम लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहले लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, जितनी प्रॉपर्टी लगाने में सिलेक्टर के बाद एक ही ब्रैकेट के अंदर ही, एक ही ब्रैकेट हाँ, जितना भी हम बनाएंगे सारा सब एक ब्रैकेट के अंदर ही। नहीं, वो हम डिफाइन करते हैं कि वो कैसे हम अलहदा करेंगे, वो अभी थोड़ा डिफाइन करते हैं क्योंकि वो मेजर टॉपिक है। जो आपका सवाल है बेसिकली वो सिलेक्टर उसको ना सबने, मैं कहता हूँ कि ये मैंने कुछ लिखा हुआ है सीएसएस का, सीएसएस प्रैक्टिस H1 हेडिंग में लिखा हुआ है, खैर ये तो सबको पता है। तो मेरा कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है, ये एक हेडिंग है सीएसएस प्रैक्टिस की। मैं चाहता हूँ इसका कलर ब्लू हो जाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका कलर ब्लू हो जाए। तो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो हम कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, सिंपल कलर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं ये करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ कलर, इसको मैं लिखता हूँ ब्लू, तो क्या ये चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? किसके लिए चलेगा? सवाल है कि कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि मैं ब्लू कलर किसका चाहता हूँ? सही है, क्योंकि HTML में तो हमने अभी तक जितनी प्रैक्टिस की है तो हम ढेरों अपने टैग्स लगा देते हैं, हम अपना H1 भी लिखते हैं, H2 भी लिखते हैं, P भी लिखते हैं, फॉर्म भी बनाते हैं, टेबल भी बनाते हैं, तो हमारे बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि मुझे इसका कलर ब्लू करना है? तो उसके लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है सिलेक्टर। ठीक है, अब सिलेक्टर लिखने की जगह ये है क्योंकि आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिख दी है कि सिंटैक्स ये है। अब सिलेक्टर की कुछ एग्जाम है यहाँ पर सीएसएस में, सिलेक्टर डिफाइन करने की कुछ तरीके हैं, कुछ एग्जाम है। तो सबसे पहली इधर हम, मैं एक नोट्स बनाता जाता हूँ, आप उसको कॉपी भी करके करते हुए जाएंगे तो आपको आसानी होगी। सिलेक्टर टाइप सब पढ़ने जा रहे हैं हम, उसको हमने ये कर दिया। पहला जो सिलेक्टर टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है टैग सिलेक्टर। नहीं नहीं ये तो मैंने वो कमेंट आउट किया, आप सिंपल टेक्स्ट अपनी लिखें ये वाली। सर इसमें HTML कमेंट भी लगा सकते हैं? नहीं, हर लैंग्वेज का अपना कमेंट अलग होता है। JS का अलग है, पाइथन का अलग है, इसका अलग है, सबका अलग है। आपने कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर लिया करें, वो खुद ही लगा देता है। सही है, तो टैग सिलेक्टर। अब टैग सिलेक्टर क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है ये टैग वही HTML का टैग है। टैग सिलेक्टर सबसे आसान सिलेक्टर है, तो आगे जो आएंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। तो सबसे आसान सिलेक्टर क्यों है कि जिस टैग पे आपको लगाना हो, जिस टैग पे आपको CSS लगानी हो, उसका नेम सिलेक्टर बन जाता है। अब इसका नेम क्या है? H1। तो ये क्या बन जाएगा? सिलेक्टर। अब जब ये सिलेक्टर बनेगा तो सिर्फ H1 लिखेंगे, वो HTML वाली चीज़ें नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो किसका सिंटैक्स है? HTML का, वो यहाँ नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखें HTML कैसे बनी हुई है, ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है ये, और यहाँ पर ऐसे क्लोज हो रही है। लेकिन जब हम इसको सिलेक्टर में इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल क्या लिखेंगे? H1। किससे? कोई भी। अब आप मजे की बात है कि CSS का ये सॉरी HTML का जितने भी आपको यहाँ पे टैग्स नजर आ रहे हैं वो सिलेक्टर में काम आ सकते हैं। आप ये आपके ऊपर है कि आप किस पे लगा रहे हैं। अब मैंने किस पे लगा दिया? अभी H1 पे लगाया, मैंने फाइल सेव की,
ठीक है, हम पीछे जाते हैं तो उसका कलर ब्लू हो गया, सही है। इसके बाद अगर मैं इसको बोलूं कि नहीं रेड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, रेड। अब उसके बाद सिलेक्टर लग गया। अब ये प्रॉपर्टी, ये मैंने लिखी भी थी, ये प्रॉपर्टी बताती है कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब देखें, आपने ये पता कर लिया कि मुझे कहाँ लगाना है, अब आप ये उसको बताएंगे सीएसएस को कि आपको करना क्या है, कलर चेंज करना है, उसके यहाँ से लेके यहाँ फेंकना है, उसका साइज बड़ा करना है, उसका साइज छोटा करना है, उसकी विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको करना क्या है, तो वो कौन बताता है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, कलर। तो अब मुझे पता लग रहा है सीएसएस को मुझे H1 पे क्या बदलना है, कलर। और ये जो वैल्यू है, वैल्यू आपको ये बताती है कि ये जो आपने काम करना है वो कैसे करना है या वो क्या करना है, तो आपने उसको रेड करना है। तो अब ये सारा सीक्वेंस पूरे सीएसएस में चलता रहेगा। आप सबसे पहले उसको बताएंगे कि भाई कहाँ, उसके बाद आप उसको बताएंगे क्या, और उसको आप बताएंगे कैसे, ठीक है। ये तीन चीजें बस आपको याद रखनी है कि ये ऐसे ही लगती रहेंगी और चलती रहेंगी, सेट है। बहुत आसान सी चीज है, और आपको इसमें याद रखने वाली चीजें दो ही हैं कि आप HTML को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसका सिलेक्टर कैसे बना सकते हैं, और दूसरा ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको खुद सोचनी पड़ती है। अब मैं इसको आपको एक बात कहता हूं कि भाई ये मेरा जो एक CSS प्रैक्टिस लिखा हुआ है, मैं आपको कहता हूं ये इस कोने में आ जाए, ठीक है, ये बिल्कुल बॉटम राइट कॉलम, बॉटम राइट स्पेस पे आ जाए। अब बॉटम राइट पे लाने के लिए आप मुझसे पूछेंगे कि ठीक है H1 तो मुझे पता है कि मुझे H1 को बॉटम राइट पे लाना है, लेकिन अब यहां पे मैं क्या लगाऊंगे वो बॉटम राइट पे लाए। अब ये एक अच्छा सवाल है, ऐसे नहीं होगा, तो अब उस पर आप इसका, हाँ, स्पेसिफिक नाम होता है। अब उसके तरीके हैं, स्पेसिफिक नाम है, अब उसका एक तरीका भी नहीं है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसको लेआउट कहते हैं हम लोग। अब लेआउट लगाने के बहुत तरीके हैं, तो एक से ज्यादा तरीके हैं। अब ये चीज आपको सिर्फ सोचनी पड़ती है सीएसएस में कि मुझे क्या लगाना है। जब आप बस आप इसको लिख लेंगे अपने पास सारी, जब आप शुरू शुरू में आप थोड़े मसले मसाइल होंगे, जब आप ये क्लास कंप्लीट होगी तो आपके पास पूरी एक लिस्ट बन जाएगी CSS प्रॉपर्टीज की, फिर आपके दिमाग में वो चीज है, आप फिर सोच देख के आपको बता देंगे यार ये इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, सही है। तो जब तक ये कोर्स खत्म होता है, स्लो 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 आप डिफरेंट एलिमेंट्स CSS के सीख जाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट यही है कि आप किसी चीज का कलर चेंज करें। अब कलर दो तरह के चेंज हो सकते हैं, एक तो इधर टेक्स्ट का चेंज हुआ, एक उसका बैकग्राउंड चेंज हो, ठीक है। तो टेक्स्ट का चेंज करने के लिए आप सिंपल कलर, और अगर बैकग्राउंड का चेंज करना है तो आप, अब जैसे कि ये सबको पता है ये पूरी बॉडी है, सही है। तो अब मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। अब वो किसी ने सवाल किया था कि हम एक ही ब्रैकेट में रखेंगे अलग अलग, तो अब यहाँ पे मुझे किसका कलर चेंज करना है, बॉडी का। तो सिंटैक्स बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ प्रॉपर्टी बदल जाएगी, बैकग्राउंड कलर। अब ये VSS आपको VS कोड आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप बैक लिखेंगे तो नीचे वो सजेशन में बैकग्राउंड कलर पहला पहला दिखा देता है, आप उसको एंटर मारेंगे तो वो पूरा सिंटैक्स खुद ही लिख देगा, वो आपको बोलेगा बस भाई वैल्यू बताओ। अब ऐसी बात है, वो तो आप बताओगे ना कौन सा कलर करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, तो मैं ब्लू लिखा, मैं पीछे आया तो बॉडी ब्लू हो गई, यानी कि वहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी जितनी थी वो सारी ब्लू हो गई। तो ये आपके CSS है, और इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से आप कलर चेंज करते हैं। आगे से एक में आगे से आपकी जितनी चीज़ें होंगी बस आपकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। जी आपके साथ बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं, वो हम CSS की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। क्या वो ग्रेडियंट है, और आपको कैसे पता वो ग्रेडियंट है, पढ़ा हुआ है। तो लीनियर ग्रेडियंट की एक प्रॉपर्टी होती है, लीनियर ग्रेडियंट में आप 2, 3, 4, 5 कलर डिफाइन करते हैं और उसकी सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, तो वो शुरू से आखिर तक वो कलर स्केल में चेंज हो जाता है। अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये ग्रेडियंट्स के कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। CSS लीनियर, मजे की बात है कि लीनियर ग्रेडियंट का टॉपिक पहले बैच वालों ने आखिरी में पढ़ा था, सबसे लास्ट, तो आप लोगों ने अभी पढ़ लिया। तो ये CSS, ये V, सॉरी W3 स्कूल्स,
W3 स्कूल आपकी जिंदगी नहीं छोड़ेगी, अब ये आपके पास हमेशा रहेगी। ये एक वेबसाइट है, बेसिकली स्टैंडर्ड वेबसाइट है जो कि HTML CSS JavaScript की हेल्प करने के लिए बनाई गई है। इसमें जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज और HTML के टैग्स और JavaScript के फंक्शंस हैं वो यहाँ पे बताए गए। तो सबसे आसान, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और आपको एक काम सिखाने वाली वेबसाइट है, तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहीं पर आपको मिलेगी। अब देखें, ये आपका सवाल था बेसिकली, इसने 2-3 कलर बैकग्राउंड में लगाए हुए, और मज़े की बात है ये आपको कोड भी बताता है। ये लो, ये ट्राइड योर सेल्फ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कोड भी बता देगा कौन सी प्रॉपर्टी कैसे लगानी है ये काम करने के लिए। ठीक है, W3 स्कूल बहुत कमाल की वेबसाइट है। मैं तो जब असाइनमेंट देता हूँ मैं तो बोलता हूँ कि भाई W3 स्कूल से देख लो, तो वो ज़्यादा आपका ईजी रहता है। ठीक है, तो आज अभी 6-4 मिनट में आपकी जमात है वैसे, लेकिन आप अभी अपने कंप्यूटर्स को खोल लें ताकि जब आप नमाज से आएँ। आज का सिर्फ आपका इतना काम है कि आपने index.css की एक न्यू फाइल बनानी है, और उसके अंदर आपने ये दो काम करना है कि एक तो H1 का कलर बदल देना है, कोई भी आप अपनी मर्जी से रख लें, और दूसरा उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर लें, ताकि आप CSS का कोड पहली दफ़ा लिखें अपने हाथ से कि ये कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको छोटे मोटे मसले होंगे तो मैं समझ लूँ। CSS 3 हाँ, पहले वाले भी बिल्कुल सेम थे, बस थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा आ गई हैं। एग्जैक्ट टाइम था, अब जिसमें से एड मीडिया इसमें नया है। तो अभी आज दूसरी क्लास थी, लेकिन मतलब मुझे जो समझ में आया कि जब एचटीएमएल का दौर था तो जैसे लग रहा ब्लैक एंड व्हाइट था। अब रंगीन होगा, रंगीन आ गए तो CSS बना के हां अटैच कर दिया, वो इसको सपोर्ट करता है बिल्कुल। इसका इवन जो पहली क्लास थी उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप देखेंगे इंसान की हड्डियां जो है वो HTML है, और इंसान की जो चमड़ी है वो उसकी CSS है। हाँ ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। 1997 था 98 था तब सिर्फ HTML था, बस टेक्स्ट होता था, एक तस्वीर होती थी और कोई हेडिंग होती थी। तो उसके बाद जैसे जैसे आगे 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 हाँ ये वो है, तो बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि तरक्की ऐसी होती है, एक चीज़ पहले बिल्कुल बेसिक बनती है फिर उसमें तरक्की होती जाती है। अब HTML भी 5 है, वो भी 5 चल रहा है, अब वो भी 5वां वर्जन है। सेम हो जाता है, वो सेम है। CSS 1 से लेकर 3 है ना, उसमें आपको चेंज नज़र नहीं आएगा, तीनों में ये चीज़ें सेम है। उसमें डिफरेंस वहाँ पे आता है कि प्रॉपर्टी कोई नई आ गई, हाँ कोई उसकी नई फंक्शनैलिटी आ गई। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो कलर रेड है, आप इसका एक वेरिएबल बना सकते हैं, ये CSS 3 का नया वर्जन है। अब वेरिएबल क्या होता है ये आप जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसमें यूज़ होता है। तो वेरिएबल में क्या फ़ायदा होता है कि आप एक लफ्ज़ में एक कलर सेव कर लेते हैं, और पूरे कोड में, पूरे CSS में, जैसे मैंने कहा 400-500 लाइनें होती हैं, तो वो आप वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं इस कलर के बजाय। अब जैसे माय प्राइमरी कलर मैंने लिख दिया था, और माय प्राइमरी कलर को ऊपर मैंने सेट कर दिया ये इसका कलर कौन सा है, रेड। अब होगा ये कि फ़र्ज़ करें कि कभी मेरा दिल हुआ कि यार इसको रेड नहीं मरून होना चाहिए था। अब मज़े की बात है कि मैंने रेड जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया होगा उन 500-600 लाइनों में, मुझे हर जगह जाके उस रेड को मरून करना पड़ेगा। तो वेरिएबल का क्या फ़ायदा होता है कि वो ऊपर ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये माय प्राइमरी कलर, इसको मैंने रेड को क्या कर दिया, मरून, सारे कोड में एकदम चेंज हो गया। तो ये फर्क, कौन सा वर्जन पढ़ रहे हो, ये कितना चल रहा है HTML? HTML 5 है, CSS 3 है जो हम पढ़ रहे हैं। इस पे काम होता है, नॉर्मली इसी में काम होता है। वैसे ये बेसिक, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। मसले मसाइल जो ये बेसिक लैंग्वेज है, जैसे जावास्क्रिप्ट आपकी, HTML और CSS, ये 3 बेसिक कोर लैंग्वेज है ना आपकी, इसमें नया वर्जन आएगा भी ना तो आपका पुराना कोड ज़ाया नहीं होता। इसको हम बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कहते हैं, कि ऐसा ना हो कि जो पीछे लोग पढ़ के आए हैं वो नया वर्जन में काम ना कर सकें। वो क्या करते हैं कि ऐसी कोर लैंग्वेजेस में नई फंक्शनैलिटी ला देते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये आप भी इस्तेमाल कर लो आपकी सहूलत के लिए। लेकिन जो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट है, एक्सप्रेस जेएस है, नोड जेएस है, उसमें डिस्ट्रक्टिव वो वर्जनिंग होती है, एक डिस्ट्रक्टिव उसके फीचर्स आते हैं। उसमें होता है कि आपको CSS उसमें जो वर्जन चेंज होता है ना, तो पिछला वर्जन नए में नहीं चलता, वक्त के साथ नई चीजें आती हैं तो नए वर्जन ऐड हो जाती हैं, ऐड जाती हैं। बहुत लोग सोचते हैं ये नहीं, हाँ वो उसमें डाल देता है, फिर वो आप अगर ये सीख लेते हैं समझ लेंगे, भले आगे कितने भी वर्जन आए आप यूज कर लेंगे। हाँ बिल्कुल आता है, वो CSS के साथ आता है और वो इमेज से ही आ जाता है। इसके दो तरीके होते हैं, एक आइकन का हम टैग यूज करते हैं आई, और दूसरा है कि भाई इसके साथ IMG भी यूज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। मैं खुद IMG यूज़ करता हूँ, और उसके बाद CSS है, मैं उसका हाइट छोटा कर देता हूँ और उसको टेक्स्ट के बिल्कुल बराबर में ला के चिपका देता हूँ, तो वो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि वो लोगो है और
उसके साथ उसका वो हेडिंग लगी हुई है। सर सीएसएस इस फाइल को उससे लिंक करना पड़ेगा फिर एचटीएमएल फाइल में। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे किया हुआ है। तो अभी आपको यही करना है कि आपने सिंपली ये एक एचटीएमएल का पेज बनाना है, इसमें H1 CSS प्रैक्टिस लिखनी है और ये लिंक कर देनी है एक index.css, और बस आप मुझे दिखा देना है कि आप बैकग्राउंड कलर जब आपने बॉडी का ब्लू किया तो वहाँ भी ब्लू हो गया। अगर हो जाए तो मतलब आपने सक्सेसफुली उसको जोड़ दिया है। क्या जमात हो गई? आप जमात पे चले जाएं और वापस जैसे ही आए तो आप कंप्यूटर्स पे बैठ जाइएगा और ये काम कर लीजिएगा।